ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शमीर का बाप और महरीन का बाप महरीन और शमीर की शादी करने का फैसला कर लेते हैं और पार्टी में ये बात सब मेहमानों के सामने अनाउंस कर देते हैं, तो शमीर इस बात पर इनकार कर देता है कि वो अपने मुर्शद साई से पूछकर इस शादी का फैसला करेगा। अब फिलहाल सब खामोश हो जाते हैं और शमीर के आखिरी फैसले का इंतजार करते हैं। महरीन का बाप और शमीर के बाप बिजनेस में पार्टनर होते हैं, उनके बहुत ही अच्छे और गहरे ताल्लुकात होते हैं। अब अगर शमीर महरीन के साथ शादी नहीं करेगा तो शमीर और उसके बाप को बिजनेस में और अपनी सियासी जमात में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। शमीर जिस तरह से अपनी मोहब्बत की खातिर झूठ बोलता जा रहा है वो बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। आगे आप देखेंगे कि सुकैना जो कि अपनी शादी के लिए मरे जा रही थी, अब जुहेब को शमीर के बारे में सब कुछ पता चलता है। जिस तरह शमीर ने उसे धमकी दी थी कि सुकैना उसकी बहन है और अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो मैं तुम माँ बेटे का जीना हराम कर दूंगा। सुकैना जुहेब से मिलती है, उसे कहती है कि जब तक शिब्रा की शादी नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगी। जुहेब उसकी बात पर हैरान रह जाता है और फिर सुकैना का ये फैसला सुनकर शिब्रा और सब घर वालों के होश उठ जाते हैं कि सुकैना तो अपनी शादी के लिए मरे जा रही थी, अब कैसे ये फैसला कर रही है कि शिब्रा की शादी होगी तो फिर बाद में ही वो शादी करेगी। जुहेब तो बहुत ही ज्यादा शरीफ है, इतना सीधा साधा इंसान के जैसे कोई पागल होता है। वो सुकैना के फैसले पर खामोश हो जाता है कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो शमीर मुझे नहीं छोड़ेगा। यकीनन जुहेब एक पागल है, अगर वो मर्द होता तो सुकैना को अच्छा खासा सबक सिखाता कि पहले तो तुम शादी के लिए मर रही थी, अब इतना बड़ा फैसला कर लिया और तुम्हारी बहन तो अपनी डिग्री मुकम्मल होने के बाद ही शादी करेगी। अब तो जुहेब को यही चाहिए था कि वो सुकैना को अच्छा खासा सबक सिखाता, उससे पूछता कि शमीर जैसा अमीर और दौलतमंद बाप का बेटा उसका भाई कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन अपने बाप से कहती है कि शमीर ने मेरे साथ झूठ बोला है कि मुर्शद साईं से पूछकर बताएगा और 2 माह का वक्त मांगा है, क्योंकि अगर वो सच्चा होता तो अपने मुर्शद साईं से मिलवाता, वो ये शादी कभी नहीं करेगा। उस पर महरीन का बाप कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं शमीर को कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, उसकी शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगी। जी नाजरीन, क्या शमीर ने शिब्रा और महरीन के गिर्द जो जाल बिछा दिया है क्या वो खुद ही इसमें फंस जाएगा और क्या शमीर और शिब्रा की शादी हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।